ग्वालियर की मुरार थाना पुलिस को हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाश ने 13 मई को पुरानी रंजिश में गोली मारकर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया था, जिसकी पुलिस लंबे समय से तलाश करने में जुटी हुई थी। दरअसल ग्वालियर में 13 मई को सुबह दूध बांटने निकले सिकंदर लोधी को पुरानी रंजिश को लेकर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस सनसनीखेज वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। लेकिन इस बीच पुलिस को मुखबिर से आरोपी की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी अमित भदौरिया ने अपनी टीम के साथ घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पिछली 13 तारीख को एक जड़ेलुआ बंदा के पास में मर्डर हुआ था, सिकंदर लोधी का, जिसमें 9 आरोपी थे। उनमें से एक आरोपी जिस पर 5,000 रुपये का इनाम है, देशराज गुर्जर को हमने बीपी सिटी के पास से आज गिरफ्तार कर लिया है। और जो हथियार उसने घटना में प्रयुक्त किया था उसको भी हमने बरामद। अभी कितने और आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार करना है? अभी और आरोपी शेष हैं, उनकी भी पतारसी जारी है, शीघ्र गिरफ्तारी करके की जाएगी। खबर मध्य प्रदेश के लिए ग्वालियर से सनी गांगुली की रिपोर्ट।